तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग? और भाई आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं पबजी मोबाइल के बारे में। और हाँ भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे पता है मुझसे ज्यादा आप में से काफी सारे लोगों को मालूम होगा। नहीं भाई, सच बता रहा हूँ, आप लोग कतई नेक्स्ट लेवल के प्लेयर हो। लेकिन भाई पहले बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पबजी की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने वाला। इसके सिवा इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप में से काफी सारे लोगों का भाई पूछना होता है कि भाई कोई बेस्ट फोन बता दो पबजी मोबाइल के लिए। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर आपकी फरमाइशी पूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन्स जिन्हें आप ले सकते हैं पबजी मोबाइल खेलने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास के जल्दी से इस वीडियो को। मैं और ऋषभ, और आप लोग देख रहे हो ऋषभ। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो भाई, इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी फोन्स के बारे में बताया है वो अपने प्राइस रेंज में सबसे अच्छी गेमिंग करवाने में कैपेबल है। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस प्राइस रेंज में मिलने वाले बाकी के फोन्स पे आपको पबजी मोबाइल चलते हुआ देखने को नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स उन फोन्स के साथ भी आपको पबजी मोबाइल चलते हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी फोन्स के बारे में आप लोगों को बताया है भाई, वो अपने सेगमेंट पे बेस्ट पबजी खिला सकते हैं। तो बिना कोई और वक्त जया किए सबसे पहले बात ये कर लेते हैं यहाँ पे सबसे सस्ते फोन के बारे में, यहाँ पे आपको सबसे अच्छी पबजी मोबाइल की गेमिंग देखने को मिल जाएगी। और भाई यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ रियलमी C2 की। अब वैसे इससे भी सस्ते कुछ फोन आते हैं जहाँ पे आपको पबजी मोबाइल चलता हुआ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि रेडमी गो की बात कर लो, जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सिर्फ 4,000 रुपयों का आपको देखने को मिल जाएगा। और ऑफकोर्स उस फोन के साथ भी आपको पबजी मोबाइल चलता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन सच बताऊं तो उस फोन के साथ पबजी मोबाइल का चलना या फिर ना चलना बात बराबर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आई होगी, इसलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ रियलमी C2 से, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को एक डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और ऑफ कोर्स इस फोन के साथ आप लोग बैलेंस सेटिंग्स में पबजी मोबाइल बड़े आराम से खेल सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 2GB की रैम देखने को मिल जाएगी। और हाँ, हो सके तो प्लीज इस फोन का 3GB रैम वाला वेरिएंट लेना, जो कि मेरे ख्याल से आपको सिर्फ 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट करने वाला है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। अब वैसे तो इस फोन के साथ एक अच्छी बात, इस फोन में लगाया गया एक 8 कोर का प्रोसेसर होता है जो कि बेसिकली हीलियो P22 है। और मतलब हाँ यार, इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता किसी दूसरे फोन में आपको इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। अब वैसे यहाँ पे आप लोगों को एक Redmi 7A का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मैं मानता हूँ आप लोगों को लगभग 5700 रुपयों में परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग ले रहे हो तो भाई प्लीज Realme C2 के साथ जाओ, क्योंकि गेमिंग को छोड़ के भी यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि Realme C2 के साथ ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट 6,000 से 7,000 रुपए है तो भाई पबजी के लिए मुझे नहीं लगता Realme C2 से ज्यादा कोई अच्छा फोन होने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा बजट भी बढ़ाते हैं, और अब अगर बातें कर ली जाए 8,000 रुपए में मिलने वाले सबसे बेस्ट पबजी फोन की, तो भाई यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा Asus का Zenfone Max Pro M1, जो कि अगेन मेरे ख्याल से पिछले साल लॉन्च किया गया था, अभी भी काफी कमाल का फोन है। और इस फोन के गेमिंग परफॉर्मेंस को जो एक बात काफी खास बनाती है वो इस फोन में लगाया गया Qualcomm Snapdragon 636, जो कि अगेन काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। साथ ही साथ इस फोन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा Adreno 509 का सपोर्ट, जो कि इस फोन की पबजी परफॉर्मेंस को और भी काफी ज्यादा बूस्ट करने वाली है। तो हाँ भैया, अगर आपको 8,000 रुपयों में कोई ऐसा फोन चाहिए जहाँ पे पबजी काफी कमाल का चलता हो, तो ऑफकोर्स आप लोग यहाँ पे Asus के Zenfone Max Pro M1 के साथ जा सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक और काफी कमाल के फोन के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है Realme 3i। अब देखो, अभी तक जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन अगर Realme वाले इस फोन की प्राइसिंग इंडिया के अंदर 8,000 रुपए रखते हैं तो भाई भूल जाओ Zenfone Max Pro M1 को या फिर किसी दूसरे फोन को, क्योंकि भाई साहब ये फोन काफी कमाल का है। 8,000 रुपए में आपको वाटर ऑपरेट वाली नॉच मिल रही है, हीलियो P60 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन परफॉर्मेंस के मामले में तो भाई साहब ये चिपसेट टक्कर देता है Qualcomm Snapdragon 660 को, जो कि अगेन काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट माना जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तब तक ये फोन इंडिया के अंदर ऑफिशियली अनवील कर दिया गया हो, और अगर इस फोन की प्राइसिंग 8,000 रुपए होती है तो भाई सच बता रहा हूँ आप लोग इस फोन को आंखें बंद करके ले सकते हो। खैर अगले फोन के बारे में बातें करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी फोन के बारे में इस वीडियो के अंदर मैंने बातें की सबके बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। खैर लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, और अब अगर बातें कर ली जाए यहाँ पे 10,000 रुपए में बेस्ट पबजी फोन के बारे में, तो भाई यहाँ पे तो आंखें बंद करके आप लोग Redmi Note 7S को ले सकते हो, जहाँ पे ऑफकोर्स आपको काफी कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस तो मिलती ही मिलती है, जिसकी वजह से आप लोग पबजी को HD सेटिंग्स में खेल सकते हो। साथ ही साथ यार ओवरऑल फोन भी काफी कमाल का है, मतलब यहाँ पे आपको एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है इस फोन के बैक साइड पे। तो देखो ओवरऑल फोन काफी कमाल का है, गेमिंग वाइज भी फोन काफी कमाल का है। तो अगर आपको
पबजी के लिए कोई फोन लेना है 10,000 रुपयों में, मेरे ख्याल से ये आज की डेट में बेस्ट फोन है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अब अगर बातें कर ली जाए यहाँ पे 12,000 से 13,000 रुपयों के बीच में आने वाले सबसे कमाल के पबजी फोन के बारे में, तो भाई मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा वेट करोगे तो यहाँ पे रियलमी 3 प्रो जो है खासकर सेल्स के टाइम पे अगर आप लोग बैंक ऑफर्स को मिलाते हो तो लगभग इतना पड़ जाएगा 13,000 रुपयों का। और भाई साहब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 और भाई ये चिपसेट मैं आपको बता रहा हूँ गेमिंग वाइज काफी कमाल का है। ना सिर्फ यहाँ पे आप लोग पबजी मोबाइल को HDR में खेल सकते हो, इवन यहाँ पे फोर्टनाइट जैसे गेम्स भी काफी कमाल के आपको चलते हुए देखने को मिल जाएंगे इस चिपसेट के साथ। तो हाँ भाई गेमिंग वाइज तो फोन काफी कमाल का है। और हाँ देखो मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से काफी सारे लोग बोल रहे हैं भाई Redmi Note 7 Pro का क्या हुआ, तो देखो वो फोन भी काफी कमाल का है, लेकिन जहां तक बात आती है गेमिंग की तो यहाँ पे Realme 3 Pro Redmi Note 7 Pro को बीट कर देता है। बाकी फीचर्स के मामले में यहाँ पे मैं आपसे खुद कहता हूँ Redmi Note 7 Pro ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और काफी कमाल की बात बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग 1,000 से 2,000 रुपए और खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा Vivo का Z1 Pro, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 712 का सपोर्ट। और वैसे ये फोन PUBG मोबाइल के मामले में एक ज्यादा अच्छा फोन इसलिए भी साबित होता है क्योंकि यहाँ पे खुद Vivo वालों ने एक्सक्लूसिव टाइप किया है PUBG मोबाइल के साथ, जिसकी वजह से ऑफकोर्स यहाँ पे आपको कुछ फायदे तो इस फोन के साथ देखने को मिल ही जाएंगे। तो अगर आप लोग 15,000 रुपए खर्च कर सकते हो और अगर आप लोग चाहते हो बेस्ट से बेस्ट PUBG मोबाइल की परफॉर्मेंस तो आप लोग इस फोन के साथ जा सकते हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा और बजट बढ़ाते हैं और अब अगर बातें कर ली जाए यहाँ पे 20,000 से 25,000 रुपए में बेस्ट गेमिंग फोन के बारे में या फिर PUBG मोबाइल वाले फोन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं डायरेक्टली 15,000 रुपयों से 20,000 रुपए में इसलिए कूद रहा हूँ क्योंकि इस बीच में जितने भी फोन आते हैं भाई उनमें भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी जितनी आप लोगों को Redmi Note 7 Pro या फिर Realme 3 Pro या फिर Vivo के Z1 Pro के बराबर देखने को मिलती है। तो हाँ अगर आप लोगों को और भी ज्यादा किल्स लेने हैं PUBG मोबाइल में और भी ज्यादा चिकन डिनर करने हैं तो भाई फिर तो कम से कम आप लोगों को 20,000 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Redmi का K20 और मेरे भाई आपको बता दूं इस फोन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 730 चिपसेट जो कि अगेन काफी ज्यादा पावरफुल है। और ओवरऑल फोन की भी अगर बातें कर ली जाए गेमिंग की बात अगर 2 मिनट साइड रख के तो यहाँ पे आप लोगों को काफी ऐसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस फोन के साथ जो कि मुझे नहीं लगता इस प्राइस रेंज में आप लोगों को किसी भी दूसरे फोन में देखने को मिलने वाला है। लेकिन भाई अगर आपको चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट PUBG की परफॉर्मेंस तो भाई यहाँ पे मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस वाला फोन होने वाला है Redmi का K20 Pro। और ये बात तो पहली बात मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इंडिया के अंदर सबसे सस्ता फोन है जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 855 जो कि एक फ्लेक्सी प्रोसेसर है, अभी तक का सबसे बेस्ट मोबाइल प्रोसेसर है जो कि एंड्रॉइड के ऊपर अवेलेबल है, iOS की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ भाई एक बात तो कन्फर्म है कि 25,000 रुपयों में लगभग आप लोग 50,000 रुपये के फोन के मजे ले सकते हो, मतलब इससे अच्छी परफॉर्मेंस आपको PUBG की मेरे ख्याल से आज के डेट में iPhone XS में भी देखने को नहीं मिलने वाली। तो हाँ मेरे ख्याल से तो ये अभी तक का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बेस्ट PUBG फोन होने वाला है। अब अगर आप लोग थोड़े और पैसे डाल सकते हो और अगर आप लोगों को चाहिए वो एक्सक्लूसिव गेमिंग वाले फीचर PUBG मोबाइल के अंदर तो भाई या तो आप लोग जा सकते हो Red Magic 3 के साथ जहाँ पे ऑफकोर्स आपको एक डेडिकेटेड फिजिकल फैन देखने को मिल जाता है और ऑफकोर्स 90Hz वाली AMOLED पैनल भी देखने को मिल जाती है, या फिर आप लोग जा सकते हो OnePlus 7 Pro के साथ। सो हाँ मेरे भाई यार ये तो थे कुछ काफी कमाल के वैल्यू फॉर मनी फोन्स जिन्हें आप ले सकते हैं PUBG मोबाइल खेलने के लिए। और अब वैसे आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे आपके ख्याल से यहाँ पे बेस्ट फोन कौन सा होगा PUBG मोबाइल के लिए, तो भाई कमेंट जरूर करना। और बाकी तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी है एक लाइक चिपकाओ इस वीडियो पे, चैनल को कर दो सब्सक्राइब उस लाल वाले बटन को दबा के, और हाँ भाई याद से उस घंटे को जरूर दबा देना क्योंकि उसके बगैर आपको ऐसी और काफी कमाल की वीडियोस देखने का मौका नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर आपका नोटिफिकेशन बेल ऑन होना चाहिए। और चलो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।